नगर पंचायत हैंसर बाजार धनघटा क्षेत्र में लगातार हो रही बाइक चोरी एवं अन्य घटनाओं के साथ ही साफ सफाई को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष रिंकू मणि व उनके प्रतिनिधि नीलमणि गंभीर दिख रहे हैं, जिसका परिणाम यह रहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष व उनके प्रतिनिधि शुक्रवार की आधी रात क्षेत्र की सड़कों पर निकल पड़े, जहां उन्होंने थाने पर रात में तैनात पुलिसकर्मियों की तत्परता के अलावा नगर क्षेत्र में साफ सफाई और कुछ स्थानों पर लगे स्ट्रीट लाइट व नगर पंचायत कार्यालय का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जहां भी कमियां मिली उसे तत्काल सुधार किए जाने का भी निर्देश दिया गया। दरअसल नगर पंचायत क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार बाइक चोरी व अन्य घटनाएं हो रही थी। इधर साफ सफाई और सफाई कर्मचारियों की शिकायतें भी आ रही थी। इन सभी मामलों को लेकर शुक्रवार की रात करीब 2 बजे नगर पंचायत अध्यक्ष रिंकू मणि एवं उनके प्रतिनिधि पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नीलमणि, जो कि टाइफाइड बुखार से प्रभावित हैं, दोनों लोग आधी रात सड़क पर निकल गए। सबसे पहले करीब 2:20 पर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नीलमणि अपनी पत्नी के साथ धनघटा थाने पर पहुंचे, जहां उन्होंने तैनात पुलिसकर्मियों से कहा कि रास्ते में आते समय बदमाशों ने मेरी बाइक छीनने के साथ ही मेरी पत्नी की गहने भी ले लिए। थाने पर 3 पुलिसकर्मी जिनमें एक होमगार्ड, एक कांस्टेबल और एक दीवान शामिल थे। कुछ समय बाद पुलिसकर्मियों को पता चला कि यह नगर पंचायत अध्यक्ष, उनके प्रतिनिधि पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नीलमणि हैं और थाने पर अगर आधी रात को कोई घटना होती है तो पुलिस कितनी तत्पर है इस व्यवस्था को जानने के लिए यह एक प्रयास था। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नीलमणि ने कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र की व्यवस्थाओं को जानने के लिए नए नए प्रयोग तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता में रखा जाएगा और उसके लिए क्या बेहतर किया जाए इसकी प्लानिंग करने के लिए पहले धरातल पर कमियों को देखना पड़ेगा। यही कारण है कि हाल ही में CSC हैंसर बाजार पर पहुंचकर वहां की कमियों को देखा गया और आज आधी रात को थाने पर आकर जानकारियां ली गई। अब जल्द ही स्कूलों पर भी औचक निरीक्षण कर वहां की कमियों को देख उसे दुरुस्त करने की तैयारी की जाएगी। नीलमणि ने कहा कि शुक्रवार की रात करीब 2:30 पर थाने पर आम नागरिक की तरह मैं और नगर पंचायत अध्यक्ष रिंकू मणि पहुंची और वहां तैनात पुलिसकर्मियों से यह बताया कि रास्ते में आते समय बदमाश मेरी बाइक व मेरी पत्नी के गहने छीन लिए हैं। इसके बाद पुलिस ने पूरी जानकारी ली और आगे की कार्रवाई शुरू करने वाली थी। बाद में उन्हें पता चला कि यह नगर पंचायत अध्यक्ष और यह पुलिस की क्या एक्टिविटी है, इस पर तरह तरह की घटनाओं के बाद इसकी जानकारी लेने के लिए यह एक काल्पनिक योजना बनाई गई थी। दरअसल पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नीलमणि ने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा और थाने के आसपास CCTV कैमरे हाईटेक सुविधा देने के लिए इस तरह के ड्रामा को क्रिएट किया था, जिससे भविष्य में क्या बेहतर किया जा सके और चोरी छिनैती के अलावा अन्य घटनाओं को रोकने और पुलिस की मदद करने में क्या सहायक सिद्ध होगा, इसका खाका धरातल पर तैयार किया जा सके। थाने से निकलने के बाद अध्यक्ष नगर पंचायत व उनके प्रतिनिधि सीधे नगर पंचायत कार्यालय हैंसर बाजार पहुंचे, जहां रात में ड्यूटी कर रहे चौकीदारों को जगाया और पूरे कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके बाद तैनात सफाईकर्मी का भी निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने साफ सफाई देख संतुष्टता जाहिर की और निर्देश भी दिया कि जहां कहीं गंदगी दिखेगी उसे तत्काल स्वविवेक से साफ किया जाए, जिससे नगर साफ व स्वच्छ रहे। इसके तुरंत बाद उन्होंने नगर पंचायत क्षेत्र के कुछ स्थान पर जहां स्ट्रीट लाइट लगी हैं वहां भी पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुछ लाइटें बंद मिली, जिस पर रात करीब 3 बजे ही संबंधित ठेकेदार को फोन कर उसे तत्काल ठीक कराए जाने का निर्देश दिया। नगर पंचायत अध्यक्ष, उनके प्रतिनिधि पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नीलमणि के द्वारा लगातार इस तरह के कार्यों को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। जल्द ही CCTV कैमरे से लैस होगा नगर पंचायत क्षेत्र। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी ने बताया कि नगर पंचायत के नवसृजन के बाद पुलिस क्षेत्राधिकारी के साथ बैठक कर नगरीय शहरी सीमा में क्या व्यवस्थाएं
की जाए जिससे पुलिस और आम जनता दोनों को मदद मिले। इसकी प्लानिंग हुई थी जिसमें सीसीटीवी कैमरे और लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने की बात की गई थी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही सीसीटीवी कैमरे से पूरे नगर पंचायत क्षेत्र को लैस किया जाएगा। कहां कहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और क्या उनकी लोकेशन होगी, क्या उनकी सुविधाएं होगी, इन सब मामलों पर विचार किया जाएगा। नगर पंचायत क्षेत्र में आम जनता की सुरक्षा में पुलिस प्रशासन का जो भी सहयोग होगा नगर पंचायत पूरी तरह से करेगी। संत कबीर नगर से केदारनाथ दुबे की रिपोर्ट।